भारत सरकार देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्प है, जिससे आम लोग अपना खुद का रोजगार करके अपने जीवन में खुशियां ला सके। देश के प्रधानमंत्री भी वोकल फॉर लोकल अभियान को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, तो मैंने देखा है कि हमारे टीवी वाले भी सिर्फ मिट्टी के दिए दिखाते हैं। वोकल फॉर लोकल सिर्फ दियों तक सीमित नहीं है भाई, हर चीज में वो उत्पादन जिसमें मेरे देशवासियों का पसीना है, जिस उत्पादन में मेरे देश की मिट्टी की सुगंध है, वो मेरे लिए है। देश का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन हो सके और उद्यमी आत्मनिर्भर बन सके। वाराणसी में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं से वाराणसी के कुम्हार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराकर कम समय में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग वाराणसी द्वारा यहाँ के कुम्हारों को विद्युत चालित चौक प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मिट्टी गूथने के लिए ब्लेंजर मशीन भी प्रदान की जा रही है। विद्युत चालित चौक प्रदान करने से पहले कुम्हारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्युत चालित चौक से उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ी है और उत्पादन भी बढ़ा है। पहले पत्थर के चौक पर काम करके कुम्हार दिन भर में मात्र 200 से 300 रुपया कमा पाते थे। आज विद्युत चालित चौक पर काम करके ये प्रतिदिन 700 से 800 रुपए की आमदनी कर लेते हैं। हमारे कुम्हार बहन भाइयों को इलेक्ट्रिक चाक, विद्युत द्वारा चलित चाक एवं पग मिल, ब्लेंजर मशीन, ये सब ग्रुप बना करके ट्रेनिंग के उपरांत दी गई हैं। और आज उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे कुम्हार बहन भाई हैं जो गांव में रहते हैं, आज उनकी उत्पादन क्षमता 100 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी आमदनी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पहले जो 100 या 200 रुपए कमाते थे, आज कम से कम 700-800 रुपए रोजाना आसानी से कमा लेते हैं। विद्युत चौक का सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि अब घर की महिलाएं और लड़कियां भी इस चौक पर काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। वंदना प्रजापति के पिता को विद्युत चौक मिला, अब वंदना भी अपनी पढ़ाई के बाद इस चौक पर काम करके आय प्राप्त कर रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो दिया बनाते हैं खाली समय में। अपने पापा के साथ पहले चाक से गढ़ना पड़ता था चलाकर, अब नहीं चलाना पड़ता है, खाली मशीन द्वारा जब से मिला तब से दिया बनाते हैं। पहले हम लोग चाक पत्थर वाले चाक से कर रहे थे, तो उसमें 200-300 कर रहे थे। अब मशीन से कर रहे थे, अब फायदा है हम लोगों को, मेहनत बहुत कम लग रहा है। नहीं पत्थर वाले से कर रहे थे ना, बहुत मेहनत ज़्यादा ही लग रहा था। मिट्टी के बर्तन के साथ साथ कुम्हार अब खिलौने और मूर्तियां भी बना रहे हैं। घर के अन्य लोग भी मिलजुल कर इन उत्पादों को तैयार कर रहे हैं। त्योहारों के लिए खास तैयार किए जा रहे रंग बिरंगे दिए और सुंदर खिलौने स्थानीय स्तर पर लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। लोहता के विनोद कुमार प्रजापति को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मिट्टी के गिलास बनाने की एक अत्याधुनिक मशीन प्रदान की गई है। इस मशीन से गिलास,
कटोरी तथा अन्य मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के सहयोग से एक महिला उद्यमी द्वारा चांदपुर औद्योगिक आस्थान में अगरबत्ती बनाने का कारखाना लगाया गया है। इस कारखाने में आसपास की महिलाएं अपने घर का कामकाज करने के बाद 4 से 5 घंटे कारखाने में काम करके प्रतिदिन 150 से 200 रुपए कमा लेती हैं। काम करने आती हूँ हम भाभी के फैक्ट्री में, बगल में रहकर बच्चन के लिए बस आ जाती हूँ कि बच्चन की भी पढ़ाई लिखाई के काम चल जाए। यहाँ घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी होता है, जो समय मुझे मिलता है उसे हम अपना काम करते हैं और 100, 150, 200 जो भी है मिल जाता है घर। खादी ग्रामोद्योग आयोग कुटीर उद्योगों को सहयोग करके उनके उत्पादों में गुणवत्ता के लिए आधुनिक मशीनें प्रदान करता है और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है, जिससे उद्यमी कम समय में अधिक उत्पादन कर सके। खादी ग्रामोद्योग आयोग उत्पादों के निर्माण के साथ साथ इनके विक्रय के लिए भी बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे उत्पादों का सही मूल्य मिल सके। इसके लिए समय समय पर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इन प्रदर्शनियों में अलग अलग उत्पादों के अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं। इन स्टॉलों पर खादी के कपड़े, अगरबत्ती, मिट्टी के बर्तन और रंग बिरंगे दिए तथा खादी द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों के अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग यहाँ वो समझ रहे हैं, हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये इको फ्रेंडली है, लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री जी का है उसको हम लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने देश की बनी मिट्टी की चीज़ों को खरीदना चाहिए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके हर चीज़ों की चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे कप बने हुए हैं, बॉटल्स आई थिंक बने हुए हैं, मिट्टी के अच्छे बॉटल बने हुए हैं और आप देख सकते हैं कि धुएं जलाने के लिए बत्तियाँ बनी हुई हैं। बहुत कुछ अच्छा है जो हमारे देश की मिट्टी से बना हुआ है, हमको ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। आजकल लोग चमक दमक के पीछे भाग रहे हैं, चाइना की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो कि चाइना की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे रहा है, जबकि हमारे देश में बनी चीज़ों को बहुत जो कि बहुत अच्छी कीमतों पर उपलब्ध हैं, लोगों को खरीदना चाहिए। इस चीज़ से हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारे कुम्हार भाइयों को जो है रोज़गार मिलता है। इस दिवाली हम लोगों को इस चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि स्थानीय स्तर पर कुटीर उद्योगों के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाए जाएं और लोगों को स्थानीय स्तर पर बने इन उत्पादों की खरीदारी के लिए प्रेरित किया जाए। प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का अभियान तभी सफल होगा जब हम अपने देश के उत्पादों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देंगे। आइए संकल्प लेते हैं कि आने वाले त्योहारों पर हम विदेशी उत्पादों का परित्याग कर देशी उत्पादों को प्रयोग में लाएंगे, जिससे हमारे देश के कुटीर उद्योगों से जुड़े लोग आत्मनिर्भर बन सके और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके।